रविवार को शाम तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने भले ही लोगों को डराने का काम किया हो, लेकिन किसानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, जिसका आलम कुछ ऐसा है कि किसान ना तो रो पा रहा है और ना ही कुछ कह पा रहा है। किसानों की बदहाल हालत का उदाहरण लेना हो तो कानपुर के ग्रामीण क्षेत्र ही बता सकते हैं कि आखिर किसानों पर आई मुसीबत किस तरह से कहर बरसा चुकी है। किसानों के इस हालातों पर उस वक्त और तरस आ गया जब मौसम के सही होने के बाद सोमवार की सुबह कुछ आस लिए किसानों का खेत पहुंचना हुआ, जहां पहुंचते ही उनमें हाय तौबा सी मच गई, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उम्मीद की आस लिए फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, जिसको देख आंख में आंसू लिए किसान बंजर जमीन समझकर कुछ तलाशने की फिराक में दिखे। कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चाचा, आप कौन से गांव के रहने वाले हो और कल क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको? हमारा गांव फतेहपुर दक्षिण लगता है। हाँ। और यहाँ पे मतलब कल आंधी जो आई बहुत तेज आई आंधी, बाद में खूब पानी बरसा, सब लाख भी उड़ गई, उसकी भूसा भी उड़ गए, बड़ा नुकसान हमारा हो गया है। अब क्या करें, मतलब इसको अब जीना तो पड़ेगा हमको। पूरे गांव का किसान किस तरीके से परेशान है? अरे सब किसान का मतलब हर परेशान है किसान, कोई मतलब ऐसा सुखी नहीं है जो मतलब जिसका उड़ा ना हो। किस तरीके से आपका परिवार और जीवन यापन चलेगा, जिस तरीके से आप उम्मीद रखे थे कि फसल कटेगी? तो मतलब जो सरकार देखो कुछ बहुत थोड़ा दे रही है और मतलब आगे राहत देगी तो मतलब उसी से सबको ज्यादा होगा, मतलब जो होगा तो सब। कितना नुकसान हुआ आपके खेतों में? क्या पूरे गांव में इसी तरीके का नुकसान देखने को मिला? अरे गांव में तो मतलब आंधी तो पूरे गांव में मतलब समान आई, मतलब अपने क्षेत्र में आंधी आई है, पानी भी बरसा, नुकसान तो सभी को हुआ है। सरकार से क्या उम्मीदें रहेंगी इस बार आपकी? अब उम्मीदें का मतलब सरकार तो कर ही रही है, मतलब देखो सब कुछ मतलब दे रही है, अब जो समझेगी अपना सरकार तो वो भी मतलब देगी। यही उम्मीद। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम ललन सिंह है। ललन सिंह, आपके गांव में कितना नुकसान हुआ है, आपके खेत में कितना नुकसान है? अब हमारा 32 वर्ग नुकसान हुआ, उड़ गई, बाकी यहाँ साइक्लोन भी गया जमीन, वो भी नुकसान है। किस तरीके के ये नुकसान हुआ था? ईश्वर की देन है, आई पहले आंधी आई, पानी गिरा और चल रहा था रात पानी गिरा। आगे किस तरीके से आप लोग जीवन यापन कर, क्योंकि गेहूँ एक महत्वपूर्ण आप लोगों का अनाज है और गेहूँ के चलते आप लोग जीवन आप लोग प्यार करते, तो किस तरीके से नुकसान हुआ, कैसे आप लोग जीवन यापन? क्या बताओ कैसे नुकसान हुआ है, अभी हो गया तो हो गया, अब जो आगे होगा वो देखा जाएगा। सरकार से कुछ उम्मीदें आप लोगों की? अब उम्मीद दो ही, गवर्नमेंट जाना है, बड़े परेशान है इधर, ईश्वर की देन ये क्या हो रहा है। क्या नाम है आपका और कितना नुकसान हुआ आपके खेतों में गांव में? जी मेरा नाम प्रदीप सिंह मधोरिया है और मेरे खेतों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ कल। एक तो असल में कोरोना की मार चल रही है, उससे किसान काफ़ी परेशान है, उसके बाद ये प्राकृतिक आपदा कल रात में आई, 3 घंटे आंधी चली है, मेरे 10-12 बीघा का भूसा उड़ गया है, गेहूं गल्ला जो बारिश हुई तो जलमग्न हो गए, कैसे क्या होगा अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा, बड़ी आपदा आ गई है। आपके गांव में कितने बीघा खेतियों का नुकसान हुआ और सरकार से आप क्या उम्मीदें रखते हैं इस नुकसान को लेकर? 350-400 बीघा खेती हमारे गांव में नुकसान हो गया है बहुत भयंकर, और किसान को गल्ला पानी मिल नहीं पाया, और सरकार से भी उम्मीद रखते हैं कि राशन का और ज़्यादा प्रोवाइड कराएं और थोड़ा सा ये करें कि हम लोग सोचते हैं मुआवजा भी मिले हमें।